ठंड के मौसम में काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी दही अच्छी तरीके से गाढ़ी नहीं जमती, तो मेरा आज वीडियो उसी पे है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आज के बाद आपकी भी दही बहुत ही गाढ़ी और स्वादिष्ट से बनने वाली। तो यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं मिट्टी के बर्तन में दही। तो मिट्टी के बर्तन अगर आपके पास है, नहीं है या आप लेने वाले हैं, तो जब भी आप लें तो इस तरीके से आप 24 घंटे के लिए मिट्टी के बर्तन को पानी में डुबा करके रखें, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो रात भर या तो 24 घंटे के लिए कम से कम आप पानी में डुबा करके रखें मिट्टी के बर्तन को, और उसके बाद 5 से 6 घंटे के लिए धूप दें, अच्छे तरीके से सूख जाना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी रेसिपी में या दही जमाने के लिए बर्तन लें मिट्टी का। तो आज हम बना रहे हैं मटके में दही। तो जिस मटके में आपको दही जमाना है, उसे आप 2 मिनट के लिए गैस पर इस तरीके से रखिए और स्लो करके, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। और यहाँ हम लेंगे 1 लीटर दूध। तो ये बिना मलाई वाला दूध है, मलाई हमने पहले से निकाल ली थी, और उसकी आज मैं दही जमाऊंगी, फिर भी बहुत ही गाढ़ी बनने वाली। तो यहाँ दूध हमारा गर्म हो चुका है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। आप इस तरीके से हथेली पर डालें और आपको गर्म महसूस हो, बस इतना ही हमें दूध को गर्म करना है। गैस बंद कर दें और दूध को मटकी में डालेंगे। तो यहाँ पर मटकी के नीचे आपको कोई भी टॉवल रखना है या गर्म कपड़ा रखना है, उसके बाद ही आप मिट्टी का बर्तन रखें जिसमें आपको दही जमाना है। तो यहाँ पे 1 लीटर दूध हमने पूरा लिया है और दूध को पूरा हम डाल देंगे मटकी में। तो यहाँ तक था कि मिट्टी के बर्तन में दही कैसे जमाए। तो दूध हमने गर्म करके डाल दिया, मटकी भी। तो लेकिन अभी आपको मेन जो है वो है जमावन, जिससे आप दही जमाने वाले। तो जैसा आपका जमावन होगा वैसे ही आपकी दही जमने वाली। तो यहाँ पर देखिए कितनी थिक गाढ़ी सी दही है। बस इसी तरीके से आप दही लें और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ मटकी के अंदर दही डाल देंगे। तो आधा आधा चम्मच करके इस तरीके से डाल दें। यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया है, अगर आपके दूध की मात्रा कम हो तो आप उसमें कम जमावन डालें। बस सबको अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो ये मटकी का बर्तन है मिट्टी का, तो इसे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं चलाना है, ऊपर ही ऊपर चम्मच से अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद हम ढक करके रख देंगे। तो आप किसी भी कोने में एक साइड करके से ढक करके रख देंगे और ऊपर से आप कवर कर दें किसी भी टॉवल से या गर्म कपड़े से, क्योंकि ठंड का मौसम है, अगर आप ऐसा करते हैं तब आपकी दही बहुत ही जल्दी और बहुत ही गाढ़ी जमेगी। तो सेम टू सेम अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी दही बहुत ही स्वादिष्ट, बिना खट्टी और थिक जमेगी। और ये बिना मलाई वाला दूध की दही है, तो आप देख रहे ना कितना शानदार है। तो मैंने वीडियो स्किप नहीं किया है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये देखिए, रात भर हमने दही को इस तरीके से रखा था और ये देखिए दही हमारी कितनी अच्छी तरीके से जमी, देख रहे हैं ना। मैं हिला रही हूँ, डुला रही हूँ, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं है पानी जैसी। तो बहुत ही थिक हमारी दही जमी है और अभी हम इसे रख देंगे फ्रिज में। तो यहाँ पे 5 से 6 घंटे या 10 घंटे के लिए भी रखेंगे ना, तो आपकी दही बहुत ही औसम से होने वाली है। और ये देखिए फ्रिज से निकालने के बाद देख रहे हैं ना कितनी गाढ़ी दही जमी है, बिना मलाई के, बिना इसमें किसी भी तरीके, मैंने इसे कोई थिक नहीं किया है दूध को, बहुत गाढ़ा नहीं किया है, फिर भी बहुत ही शानदार सी दही हमारी बनके तैयार हुई है। और यकीन मानिए बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, मीठी दही है, ना ही इसमें हमने कोई चीनी गुड़ कुछ भी डाला है, पर बहुत ही स्वादिष्ट सी दही हमारी बन करके तैयार है। बस आप फॉलो करें टिप्स को, जैसे हमने शुरू से दही जमाया है। तो अगर आप मिट्टी के बर्तन में नहीं जमाना चाहते तो आप स्टील के बर्तन में इस तरीके से दही जमाएं, नीचे से टॉवल के ऊपर रखें और ऊपर भी आप अच्छी तरीके से कवर कर दें, ढक दें, तो आपकी भी बहुत ही शानदार दही इसी तरीके से जमेगी। पर मिट्टी के बर्तन में अगर आप दही जमाते हैं तो एक सोंधापन रहता है और टेस्ट बहुत ही औसम सा लगता है। और ये देखिए मैं आपको चम्मच से दिखा रही हूँ, जैसा हमारा जमावन था सेम वैसे ही हमारी दही जम करके तैयार है। ठंड में दही जमाते समय अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपकी भी दही बहुत ही औसम सी, बिना खट्टी और थिक सी जमने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और जिस जमावन से आप दही जमाना चाह रहे हैं, जमावन वो थिक होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए, तभी आपकी दही गाढ़ी और स्वादिष्ट सी बनेगी। जिस भी बर्तन में आप दही जमा रहे हैं, दही के बर्तन को अच्छी तरीके से कवर कर दें गर्म कपड़े से या फिर टॉवल से। आपको मेरा आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ उसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।